और फिर है इसी सेल्फ के अंदर एक अमारा बिस्सू, नफ्स अमारा बिस्सू, जो कि गुनाहों की तरफ दावा देता है, जो कि डिज़ायर्स के साथ प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ शैतान, एंड शैतान यूजेस दिस सेम नफ्स टू मेक अस कमिट एनी सिन। ऐसा क्यों होता है कि रमज़ान में जब शैतान बंद होता है तभी दिल चाहता है गुनाह करने का, तभी लोग गुनाह क्या नहीं कर रहे होते? वो शैतान ने इतना ट्रेन किया होता है इस नफ्स को, इतना स्ट्रॉन्ग किया होता है इस नफ्स को कि ये अभी तक एक्शन में होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो नफ्स है ना, ये एक बिफरा हुआ घोड़ा है, अगर हम इसको ट्रेन नहीं करेंगे तो ये हमें मास्टर करेगा, और हत्ता कि इतना मास्टर कर लेगा कि ये जो हुक्म देगा हम समझना होता ना, यस सर, ये हुक्म देगा कि सब जवान बैठे हैं, ये हुक्म देगा कि लेट्स, दिल चाह रहा है कि मैं बुरी वेबसाइट एक्सेस करूँ, फ़ौरन से इंसान कुंडी लगाएगा और बुरी वेबसाइट, क्योंकि दिल चाह रहा है मेरा, आई हैव टू डू दिस। ये कहेगा कि फ़लाँ औरत कॉल करो, शी यू मिस हर, उठाई कॉल की, नो क्वेश्चंस एट ऑल। अश्शैतान यअदुकुम अल-फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल-फ़हशा, शैतान तुम्हें फकीरी के वादे करता है और तुम्हें हुक्म देता है गुनाह के। ये हुक्म की स्टेज कब आती है कि जब ये जो नफ्स है ना, ये हमें हमारा मास्टर बन चुका होता है, तो शैतान फिर हुक्म देता है और ये कहता है यस सर, और फिर वो गुनाह फौरन से कर लेता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि यार तो हाँ भाई, ऐसा है कि मैंने इरादा किया होता है, पक्का इरादा कि मैं इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन स्टिल एवरी ऑल्टरनेट डे आई गो बैक टू दैट सिन अगेन। मैंने कस्में खाई होती और मैंने, मतलब मैं इतना रोया होता हूँ जो मैंने लास्ट गुनाह किया था, एंड देन आफ्टर टू डेज आई टर्न बैक टू दैट सिन अगेन, आई रिलैप्स। ये क्या है कि हमने अपने इस नफ्स को इतना मास्टर बनाया होता है कि इसको इतना फीड किया होता है कि ये इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि हमें हमारी बात नहीं सुनता। यू नो, जितना फ्यूल आप जिस नफ्स को देंगे उतना वो पावरफुल होगा, एंड द फ्यूल ऑफ नफ्स मुतमाना इज कुरान या हदीस, गैदरिंग्स लाइक दिस, बीइंग इन गुड कंपनी, लिसन टू सम लेक्चर्स। नाउ व्हाट वी डूइंग इज वी आर फ्यूलिंग, वी आर मेकिंग नफ्स मुतमाना पावरफुल, पावरफुल, पावरफुल फ्यूल जा रहा है उसके अंदर, वो उतना ज़्यादा ग़ालिब होगा हमारे ऊपर दिन में। जितना ज़्यादा हम फ्यूल करेंगे नफ्स अमारा बिस्सू को, उतना ज़्यादा वो हम पे ग़ालिब होगा। और उसका फ्यूल क्या है? वॉचिंग बैड वीडियोज ऑल द टाइम, लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल द टाइम एंड हैंगिंग योर बेड, इट इज़ अस गिविंग अस फ्यूल टू दिस नफ्स। हमारे जो सलफ थे ना, वो अपने नफ्स पे जबर करते 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 हत्ता कि ये, हत्ता कि क्या करता है, ये नफ्स मुतमाइना बन जाता है। सो नेवर एवर थिंक कि जो भी आपके दिल में ख्वाहिश आ रही है, दिल चाह रहा है, उसको मैंने करना ही करना है, डोंट थिंक दैट वे। आप नमाज पढ़ी, आपने सलाम फेरा, आपका दीन का कहता है कि अजकार करो, लेकिन आपका नफ्स कहता है कि उठो यार, निकलो यहाँ से, बाद में कर लेंगे, रास्ते में कर लेंगे, एंड यू स्टैंड अप एंड गो अवे, दिस इज व्हाट दिल की मान रहे हैं। सो ऑलवेज रियलाइज अ डिफरेंस के ये मेरे दिल की, सो ये नफ्स का हुक्म है या मेरे अल्लाह का हुक्म है। हमेशा अपने की सोच को ना ये मत कहें कि ये मेरी सोच है या दिल की चाहत है, रादर ऑलवेज टेल टू दिस नफ्स के आई थिंक माई नफ्स इज प्लेइंग विद मी।